एक और एतराज जीरो फैक्टोरियल पे ये होता है कि अगर इसको आप लॉजिकल समझते हो ना तो लॉजिकल बात समझ नहीं आती, क्योंकि आपने फैक्टोरियल अभी देखा था कि फैक्टोरियल में आप क्या करते थे, कोई नंबर पिक करते थे, उसे नीचे जाते थे, उनको मल्टीप्लाई कर देते थे। अब जीरो तो ऑलरेडी वन से नीचे है, तो हमें ये बात हजम नहीं हो रही। फॉर्मूले से हमने देख लिया, मैथमेटिकल हमें पता चल गया, हम वहां से तो मुतमइन हो गए, लेकिन हमें ये मेंटली बात समझ नहीं आती कि यार ये है क्या चीज, जीरो फैक्टोरियल वन कैसे हो सकता है। जीरो होता है समझ आता है, जीरो फैक्टोरियल वन कैसे। तो सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों के बताता हूं कि आप लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि टू की पावर जीरो जो है ये वन होता है, ये लॉजिकल बात कैसे समझोगे आप, समझ नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है समझना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं टू का स्क्वायर फोर होता है, इसको आप समझ सकते हो कि भाई अगर पावर टू है इसका मतलब क्या है, टू को दो दफा मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, अगर मैं पावर फोर कर दूं इसका मतलब क्या है, टू को चार दफा मल्टीप्लाई करना है, हमें समझ आ रही है बात। लेकिन ये टू की पावर जीरो का मतलब क्या है, टू को मैं कितनी दफा मल्टीप्लाई करूं, जीरो दफा मल्टीप्लाई करूं क्या, और जीरो दफा मल्टीप्लाई करूं आंसर वन कैसे आएगा, लॉजिकल बात समझ नहीं आ रही। वर्किंग इसकी बिल्कुल है, वर्किंग का तो कोई मसला ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो ना टू अपॉन टू वन होता है, मैं प्रूफ बता रहा हूं इसका, टू अपॉन टू वन होता है, इसकी भी पावर वन इसकी भी पावर वन। आप क्या करो, नीचे वाला टू ऊपर ले आओ, नीचे वाला टू ऊपर आएगा उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। अलजेब्रा का रूल है कि बेसिस सेम पावर ऐड होती है, वन माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो, तो टू की पावर जीरो वन हो गया। सिर्फ टू नहीं, कोई भी नंबर हो उसकी पावर जीरो वन होती है सिवाय जीरो के, जीरो की पावर जीरो वन नहीं होता, वो फिर इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, सेकंड ईयर का टॉपिक है। तो लॉजिकल बात हमें समझ नहीं आती थी इसमें, इसी तरह जीरो फैक्टोरियल जो है ना कि लॉजिकल बच्चों को समझ नहीं आ रहा होता, मैथमेटिकल तो समझ आ जाता है लेकिन लॉजिकल किस तरह समझेंगे इसको। देखो इसके लिए मैं एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं, ये आपको अभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी बात समझ आएगी। वो ये है कि अगर मैं आप लोगों के सामने लिखूं थ्री फैक्टोरियल, ये शो किस चीज को कर रहा होता है, भाई हमें ये पता है थ्री फैक्टोरियल सिक्स है, लेकिन ये नंबर क्या है, किस चीज को शो कर रहा होता है। ये जो फैक्टोरियल है ना, ये आपको बताता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट, क्या बात हुई। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने तीन नंबर्स लिखूं, वन फाइव सिक्स, फॉर एग्जाम्पल ये तीन नंबर्स हैं, मैं आपको बोलूं कि इन तीन नंबर्स को आप कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो, आप बोलोगे एक तरीका तो ये है कि मैं वन फाइव सिक्स लिखूं, दूसरा तरीका क्या है मैं वन सिक्स फाइव लिखूं, तीसरा तरीका क्या है मैं फाइव सिक्स वन लिखूं, चौथा है फाइव वन सिक्स, पांचवा है सिक्स वन फाइव, छठा है सिक्स फाइव वन। इन तीन नंबर्स को मैं छह तरीके से लिख सकता हूं, छह तरीके से आपको दिखा सकता हूं, ये छह के छह अलग है। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल का पासवर्ड है, अब ये समझ लो, तो ये तीन छह के छह पासवर्ड लिखे हैं अलग है टोटली। तो जरा ऑब्जर्व करो तीन चीजों को आप कितने तरीके से दिखा सकते हो, इन अदर वर्ड तीन चीजों को आप अरेंज कितने तरीके से कर सकते हो, छह तरीके से। ये फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल आपको बताता है कि किसी चीज को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। अगर मैं आपके सामने लिखूं फोर फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल है 24, इसका मतलब अगर आपके पास कोई चार नंबर है या चार अल्फाबेट है उसको आप 24 तरीके से अरेंज कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम निकाल लो, 24 तरीके से अरेंज कर लेना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख दो 1 5 6 4, इसको आप अरेंज करने लग जाना, इसको आप टोटल 24 तरीकों से अरेंज कर सकते हो, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या होगा, आप जस्ट चेंजिंग करो 6 4 के अंदर, ये कर दो। तीसरा तरीका क्या होगा, आप इसके अंदर कर दो 4 5 6। चौथा तरीका क्या हो सकता है, आप 6 को पहले ले आओ, मतलब 2 5 के साथ है ना, आप 2 4 के साथ कर लो इस तरीके से। फिर आप क्या करो, आप 4 की जगह 6 ले आओ, 6 5 4, फिर क्या करो 6 4 5। तो ये 6 तो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। अब पहली पोजीशन पे 1 था, अब पहली पोजीशन पे आप 5 ले आओ, अब 5 के साथ 6 और बनाओ, फिर पहली पोजीशन पे 6 ले आओ, उसके साथ 6 और बनाओ, फिर पहली पोजीशन पे 4 ले आओ, मतलब आप इस तरह लिखो ना 4 1 5 6। अब इसके 6 आप लिख सकते हो डिफरेंट तरीके से, जैसे मैंने अरेंज किया। इसी तरह पहला लेटर ऑफ, फॉर एग्जाम्पल पहला डिजिट 5 कर दो, आप इसके भी आप 6 लिख सकते हो। तो टोटल 24 अरेंजमेंट आप यहां बना सकते हो। तो जो 24 का वर्ड है कहां से आया, 24 ये फैक्टोरियल से आया कि चार तरीकों को आपने, चार नंबर्स को अरेंज करना है तो आप क्या करो उनका फैक्टोरियल निकालो तो 24 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने दो चीजों को अरेंज करना है तो 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2, इसका मतलब दो चीजों को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, दो तरीकों से अरेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास नंबर लिखा हुआ है 1 2, या तो आप इस तरह लिखोगे या आप इस तरह लिखोगे, दो तरीके। इसी तरह अगर मैं आपको बोलूं 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, मतलब एक चीज को आप एक ही तरीके से दिखा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 लिखा हुआ है तो 1 को दिखाने का एक ही तरीका है, एक ही अरेंजमेंट है, कोई और अरेंजमेंट नहीं है इसका। इसी चीज को आपने अप्लाई करना है, ये मैं लॉजिकल बात बता रहा हूं, 0 फैक्टोरियल के ऊपर। 0 फैक्टोरियल 1 कैसे होगा,
लॉजिकल बात यह है कि जीरो का मतलब होता है नथिंग, आपके पास कुछ भी नहीं है। अब अगर आपके पास कुछ भी नहीं है उसको आपने अगर शो करना है किसी दूसरे को, जैसे अगर आपके पास तीन थे तो आप छह तरीके से शो कर सके थे, अगर चार हैं तो आप 24 तरीके से शो कर रहे थे। इसी तरह अगर आपके पास नथिंग है, कुछ भी नहीं है, तो आप कितने तरीके से शो कर सकते हो? एक तरीके से शो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं मेरे पास हाथ में कोई चीज पकड़ी है, मेरे पास अब मेरे पास नथिंग है, तो जो मैं शो करवा रहा हूं आपको वो नथिंग शो करवा रहा हूं, मतलब एक ही तरीका है कि मैं आपको नथिंग कुछ भी शो नहीं करवा रहा। इस बात को जरा समझो कि अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं आपको बोलूं मेरे पास जो कुछ भी नहीं है उसको मैंने आपको शो करवाना है, तो मैं एक तरीके से शो करवा रहा हूं आपको, वो ये कि कुछ भी नहीं है इसके अंदर, नथिंग। तो किसी भी नथिंग को शो करवाने का एक ही तरीका है कि उसके अंदर नथिंग हो, कुछ भी ना हो। दैट्स व्हाई जीरो फैक्टोरियल जो है ये वन के बराबर। ये लॉजिकल बात समझाई जाती है। मैथमेटिकल जो है वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझा दी कि क्या होता है, ठीक है। और अब एक आखिरी चीज है फोर फैक्टोरियल से रिलेटेड, वो है इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब ये है कि आमतौर पर जो आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो ना चीजें, वो फैक्टोरियल पे अप्लाई नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी अच्छा वर्ड नहीं है, इसको हम लिखते हैं नोटा बिना। अब ये क्या चीज होती है? ये आई गेस लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट चीज नोट करो, नोटा बिना। इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई? कि ए प्लस बी फैक्टोरियल का हरगिज़ से मतलब नहीं होता कि ये बराबर है ए फैक्टोरियल प्लस बी फैक्टोरियल। नहीं, ये आपस में बराबर नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना। ए प्लस बी फैक्टोरियल कभी भी बराबर नहीं होगा ए फैक्टोरियल प्लस बी फैक्टोरियल, क्योंकि हमें बचपन से मल्टीप्लाई करने की आदत है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है ना हमें, वो आदत है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर बाहर टू लिख देता तो आप ए को टू से मल्टीप्लाई करते प्लस बी जो है उसको टू से मल्टीप्लाई करते, ये फैक्टोरियल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, सेम चीज माइनस के अंदर भी है, ठीक है, ये बराबर नहीं होता है फैक्टोरियल माइनस बी फैक्टोरियल। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके सामने लिखा हो ए बी फैक्टोरियल, मतलब कोई दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो उसका फैक्टोरियल आपने लेना है, तो ये हरगिज़ इसके बराबर नहीं होता ए फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बी फैक्टोरियल, इसके बराबर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने लिखूं टू और फोर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, तो इसको एक ही तरीका सॉल्व करने का कि 2 4 जा 8 8 फैक्टोरियल, दैट्स इट। इसका ये तरीका बिल्कुल भी नहीं है कि 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, नहीं। इसका आंसर क्या होगा? 4 फैक्टोरियल होता है 24, 24 को 2 से करो 48, इसका आंसर 48 है, जबकि यहां पे 8 फैक्टोरियल का आंसर तो 5040 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, बहुत बड़ा आंसर आएगा। तो तीसरी बात आपने याद रखनी। और चौथी बात, कि अगर आपके पास लिखा हो 2a फैक्टोरियल, ये ब्रैकेट जाहिर सी बात है एक मेन रोल अदा करेंगे यहाँ पे, अगर आपके पास इस तरीके से लिखा हो 2a फैक्टोरियल तो हर किसी इसके बराबर नहीं होता, ये दोनों चीजें अलग है। इसका मतलब क्या है कि a का फैक्टोरियल लो और उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, और अगर ये इस तरह लिखा हो तब भी इसका मतलब सेम ही होगा। अगर आपके सामने इस तरह लिखा है, एक ही बात है कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है a फैक्टोरियल से, तो ये चीज कभी भी इसके बराबर नहीं होगी कि 2a का फैक्टोरियल, यहां पे 2a का फैक्टोरियल आप ले रहे हो जबकि यहां पे आप a का फैक्टोरियल ले रहे हो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ये ऊपर वाली बात को मैंने डिफरेंट तरीके से लिखवाया, वहां पे a भी बात की थी, यहां पे मैंने एक a लिया एक नंबर लिया, कहने का मतलब ये a फैक्टोरियल को 2 से मल्टीप्लाई करो ये अलग बात है और 2a का फैक्टोरियल लो ये अलग बात है। तो चार चीजें मैंने लिखवाई है जो आमतौर पर आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो ना, तो आप लोग समझते हो कि फैक्टोरियल में भी ये चीज अप्लाई होती है। नहीं, फैक्टोरियल में चारों चीजें जो मैंने लिखी है अप्लाई होती है, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो हमने किया है ना उससे रिलेटेड एक सवाल है 7.1 का, उसको हम जरा सॉल्व करते हैं। बहुत छोटा सवाल है फैक्टोरियल से रिलेटेड, उसकी एग्जांपल भी मैंने आप लोगों को दी थी, वो है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 3 के डिफरेंट पार्ट है, पार्ट 1 में लिखा हुआ 9 फैक्टोरियल मैंने बताया बड़ा इजी तरीके से आप निकाल सकते हो। अच्छा, ये 9 फैक्टोरियल कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर में फैक्टोरियल होता है, मुझे एग्जैक्ट बटन याद नहीं है लेकिन आपको मिल जाएगा, इसी तरह साइन लिखा हुआ होगा। और YouTube पे मैंने एक प्लेलिस्ट अपलोड की हुई है हाउ टू यूज कैलकुलेटर, उसके अंदर मैंने सारी वीडियोस अपलोड की हुई है, उसमें लास्ट 5 वीडियोस आपको मिलेंगी जिसमें मैंने चैप्टर वाइज टेक्निक बताई हुई है कि हर चैप्टर में क्या चीज आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हो। तो जो ये चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 7, इसमें सबसे पहले मैंने फैक्टोरियल ही बताया हुआ है कि किस तरीके से निकाल सकते हो, तो अगर आप लोगों को मसला हो तो आप लोग वहां से भी देख सकते हो। 9 फैक्टोरियल तो आसानी से आ जाएगा। पार्ट 2 में लिखा हुआ है ये चीज, अब अगेन ये सारी चीजें कैलकुलेटर के बगैर
मतलब ऑब्वियसली सवाल आपको इतना एमसीक्यूज में भी नहीं आता, ये वाले सवाल शुरू के जो दो सवाल है ये एमसीक्यूज में भी नहीं आते क्योंकि डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अभी मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कैलकुलेटर ना हो, कैलकुलेशन आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इसको इस तरह सॉल्व करना है तो आपको पता है 6 फैक्टोरियल क्या होता है, 720 और 6 का स्क्वायर 36। 720 में से आपको 36 माइनस करना है, ये हो जाएगा 684, ये होगा ना मेरे ख्याल में 684 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पार्ट नंबर 3 है उसमें लिखा हुआ है 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 48 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, इसको आपने सॉल्व करना है। किस तरह सॉल्व करोगे, अगेन 48 को इग्नोर कर दो, अभी आप ऊपर देखो 8 फैक्टोरियल है नीचे 5 फैक्टोरियल है, मैंने बताया था जो बड़ा वाला है उसको आपने एक्सपेंड करना है। तो यहां पे बड़ा वाला फैक्टोरियल क्या है, बड़ा वाला फैक्टोरियल यहां पे 8 है, तो आप क्या करो आप 8 फैक्टोरियल को इस तरह लिखो 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 9, इसके बाद नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि नीचे 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। That's it. आप 5 से ग्रुप जो फैक्टोरियल डाल दो, यहां नीचे क्या लिखा हुआ है 48 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 8 वन जा 8, 8 6 जा 48, ठीक है 6 को 6 से कैंसिल कर दो, रिजल्ट 7 आ रहा है। तो ये कितनी मुश्किल चीज है दिखने में, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मासूम सा रिजल्ट आ रहा है और वो रिजल्ट है 7। ठीक है, इसी तरीके से पार्ट 4 में लिखा हुआ है 39 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 38 फैक्टोरियल, तो अगेन बड़ा 39 है उसको एक्सपेंड करते हैं, 39 को आप लिखो 39 मल्टीप्लाई 38, दैट्स इट, रुक जाओ यहां पे 38 से 38 कैंसिल, आंसर जो है वो 39 आ जाएगा। ठीक है, ये सवाल एमसीक्यूज का बड़ा फेवरेट है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम का जो मैं करवाने लगा हूं। पार्ट नंबर 5 लिखा हुआ है n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब यहां पे अगेन जो मैंने बात बोली थी वो कायम रखना, उसको जहन में रखना कि जो बड़ा फैक्टोरियल है उसको आपने एक्सपेंड करना है, n प्लस 1 बड़ा n माइनस 1 छोटा, तो आपने क्या करना है आपने n प्लस 1 को एक्सपेंड करना है। किस तरीके से, 1 कम करते जाओ, आप लिखो सबसे पहले n प्लस 1, n प्लस 1 से जब आप 1 कम करोगे तो n आ जाएगा भाई, एन प्लस वन माइनस वन, वन कम करने का मतलब वन सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, तो पीछे क्या बचेगा एन बचेगा, फिर एन में से वन कम करोगे तो क्या हो जाएगा एन माइनस वन, और यहां पर रुक जाना है आपने क्योंकि नीचे एन माइनस वन मौजूद है। तो आप क्या करो ये लिखो, ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल, आंसर पीछे क्या आ जाएगा एन मल्टीप्लाई एन प्लस, तो इस पूरी चीज का आंसर हो जाएगा एन मल्टीप्लाई एन प्लस। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं जो बुक में मौजूद नहीं है, लेकिन मैं एक चीज आप लोगों को समझाने के लिए कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फैक्टोरियल ना गिवन हो, फॉर एग्जांपल ये गिवन हो 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 और आपको बोला जाए कि इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करो, अभी तो प्रोडक्ट की फॉर्म में ना, इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में कन्वर्ट करो, अब आप इसको 10 फैक्टोरियल तो लिख नहीं सकते क्योंकि 10 फैक्टोरियल का मतलब ऑल द वे आपने 1 तक मल्टीप्लाई करना है, अगर यहां पे 7, 5, 6, 4, 3, 2, 1 सब होता तब आप इसको 10 फैक्टोरियल लिख देते। अब इसको फैक्टोरियल के फॉर्म में कन्वर्ट किस तरीके से करेंगे वो जरा देख लो। एक प्रोडक्ट अगर आपको गिवन हो फैक्टोरियल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आप क्या करो प्रोडक्ट कहां पे खत्म हो रहा है 8 पे खत्म हो रहा है, 8 से नीचे आ जाओ 7, आप क्या करो आप 7 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करवा दो, 7 फैक्टोरियल से डिवाइड करवा दो, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करवा सकते हो, मैथ में इजाजत दी भी आपको, तो जो प्रोडक्ट था जहां पे खत्म हो रहा था उससे एक कम, मैंने फैक्टोरियल ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाया नीचे भी करवा दिया, ठीक है मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया आपने 7 फैक्टोरियल से, उसके बाद क्या होगा अगर आप ऑब्जर्व करो न्यूमरेटर, न्यूमरेटर अब पूरा 10 फैक्टोरियल बन रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था 10 फैक्टोरियल को लिखने के डिफरेंट तरीके, आप कहीं भी रुक सकते हो दरमियान में। अब अगर आप ऑब्जर्व करो 10 फैक्टोरियल क्या होता है, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 और 7 पे अगर आप रुकना चाह रहे हो तो फैक्टोरियल लगा दो, तो अगर आप ऑब्जर्व करो न्यूमरेटर को तो ये पूरा 10 फैक्टोरियल है क्योंकि जहां भी आप 1 से पहले रुकोगे आप फैक्टोरियल लगा देते हो, तो 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 और 7 पे फैक्टोरियल लग गया, इसका मतलब 7 फैक्टोरियल को जब आप एक्सपेंड करोगे तो दोबारा 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 आएगा, तो ये न्यूमरेटर पूरा जो है ये क्या बन गया 10 फैक्टोरियल बन गया।
तो न्यूमरेटर की जगह में 10 फैक्टोरियल, नीचे आपने लिख दिया 7 फैक्टोरियल। ये जो यहां पे आपने किया था ना काम, फैक्टोरियल से नंबर में लेके आए थे वही काम किया, नंबर से आपने अब फैक्टोरियल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो प्रोडक्ट अगर आपको गिवन हो, फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने का तरीका बता दिया, और वैसे भी आपने देख लिया फैक्टोरियल से रिलेटेड बच्चों सारे डिस्कशन कंप्लीट हो गई, एक क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जो काउंटिंग टेक्निक जो है, दो प्रिंसिपल है, वो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे।